प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज शनिवार है और आज के कार्यक्रम के कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर दीजिए अगर आपको किसी एक सवाल का उत्तर जानना हो तो। और जो लोग भी कार्यक्रम के कमेंट में आज अपनी डिटेल डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस का ख्याल रखें, AM PM का ख्याल रखें, जगह कोई ऐसी डालें जो आसानी से मिल सके, और उसके बाद कोई एक सवाल, और कल का कार्यक्रम पूरा देखने का प्रयास करें। नहीं तो कई बार होता है मैं सवाल ले तो लेता हूं लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं और फिर शिकायतें करते हैं, पंडित जी आपने मेरी कुंडली नहीं ली। तो ये बात है कि अगर डिटेल दिए हैं तो निश्चित रूप से सभी लोग कल का कार्यक्रम जरूर देख लें। आइए, इनकी कुंडली जो मैंने कल विश्लेषण करी थी, इनकी कुंडली के आज नवमांश और दशमांश के साथ उपस्थित हूँ, यहाँ भेद पैदा करेंगे और दरअसल तीनों ही चार्ट में विभिन्न ग्रहों की स्थितियों को समझेंगे कि वो कैसे उत्तरोत्तर वृद्धि में जा रहे हैं और कैसे दशाओं के क्रम में अपना परिवर्तन और फल करने वाले बन रहे हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम बिना किसी विलंब के। सबसे पहले बता दूं, इधर देखिए, कहीं और न देखिए नहीं तो ध्यान भटक जाएगा। हम कितने युद्ध में शामिल हैं विचारों के, हम कितने युद्ध में शामिल हैं आगे बढ़ने के, और इस दौरान जो हमारे लोग हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे हित हैं, जो हमारे अपने हैं, वही पराजित होकर के हमसे और लहूलुहान बैठे हैं। मतलब कहने का ये है कि हमारे जीवन के सामने, जीवन को जीने के लिए हम इतना ज़्यादा युद्ध में रत हैं कि उन लोगों को छोड़ते जा रहे हैं, जिसमें से क्रमशः हमारे घर की बेटियाँ, हमारे घर की बहुएं, हमारी बहनें, हमारी बुआ की लड़कियां, ये सब लोग, आपके मामा, रिश्तेदार, हित मित्र, सब आपके युद्ध उन्हीं के साथ चल रहे हैं, क्रमशः उनसे आगे बढ़ने के लिए और उनको ही नीचा दिखाने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपका युद्ध आपके अपनों के साथ हो, नहीं तो ये स्थिति महाभारत से कम बिल्कुल भी नहीं है। ये समझने वाली बात है, आपके युद्ध अपनों के साथ कभी भी ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, आपका युद्ध आपके अंदर के दुर्गुणों से हो तो ज़्यादा बेहतर है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये कुंभ लग्न की कुंडली थी। शनि से प्रभावित जो लोग होते हैं उनके जीवन में काम लेट होता ही है और ये पक्की बात है। अगर आप शनि से प्रभावित हैं तो मान के चलिए कि आपके काम में विलम्ब होगा और लेट होता ही है, क्योंकि शनि जो है वो आपको ये कहने का प्रयास करता है और अपनी दशाओं के क्रम में या अपने प्रभाव से ये आपको स्थापित आपके दिमाग में ये करना चाहता है कि पहले अनुभव से युक्त हो जाओ, पहले जो तुम्हें चाहिए उसके उपयुक्त हो जाओ तभी तुम्हें वो चीज़ मिलेगी। अब कुंभ लग्न को ही देखिए, लग्न में शनि के प्रभाव को देखने पर यह पता चलता है कि व्यक्ति का विवाह विलंब से होगा, व्यक्ति का काम रुक रुक करके होता है। ये बातें बनती हैं क्योंकि ये जो चीज़ें बन रही हैं, आइए एक एक करके एक एक ग्रह को समझेंगे तो आसानी से समझ लेंगे। सबसे पहले लग्न चार्ट में कल सूर्य की स्थिति बता दी थी, अब थोड़ा सा आपको आपका विस्मरण न हो इस वजह से यहाँ भी बता देता हूँ। ये बनते थे सप्तम भाव के अधिपति, और सप्तम भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली के लग्न में बैठे हैं, व्यक्ति को बुद्धिमान तो बनाएंगे, धार्मिक प्रवृत्ति का बनाएंगे, पूजा पाठ करने वाला बनाएंगे, और राहु के प्रभाव में होने के कारण, शनि से प्रभावित होने के कारण व्यक्ति के काम में कहीं ना कहीं विलंब, रुकावट और मन के अनुकूल चीज़ें कई बार मिलने में विलंब होता है। प्रत्येक काम थोड़ा लेट से होता है, एक दिन का काम 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में होता है। अब वही स्थिति जब यहाँ समझते हैं, यहाँ पे सूर्य, चूंकि कल किसी ने कहा था कि आप गलती बता रहे हैं पंडित जी, सूर्य क्रूर ग्रह, सूर्य पापक ग्रह होता है, क्रूर ग्रह नहीं, और मंगल क्रूर ग्रह होता है, पापक ग्रह नहीं। नहीं श्रीमान, ऐसा नहीं है, सूर्य क्रूर ग्रह होते हैं, उनकी क्रूरता इतनी होती है कि वो जिस भी भाव पे देख लेते हैं ना उसको क्रूरतम बना देते हैं अपनी दृष्टि से, और मंगल पापक होता है, वो पापी होता है, वो ना तो अपनी माता का होता है ना अपने पिता का, बस वही है मंगल। अगर समझना हो तो मंगल वाले कार्यक्रम को देख लीजिएगा, और शायद आप वही कार्यक्रम देख करके आक्षेप कर रहे थे, बिल्कुल नहीं, समझने की भूल है। यहां ये सूर्य लग्न में बैठे थे, व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे, जिद्दी बनाएंगे, और कई बार व्यक्ति अपने मन की करना चाहेगा, हर बार। सूर्य यहां लग्न में कारक, और यहां देखिए नवमांश कुंडली में पत्नी से जोड़ करके सूर्य को देखा जाएगा। अब जब भी सूर्य का फलादेश करेंगे नवमांश कुंडली में तो उसमें पत्नी को जरूर
सामने रखेंगे। तो यहाँ पे सूर्य कहाँ के अधिपति बनते हैं? चतुर्थ भाव के अधिपति, जो कि सुख भाव है। और यहाँ से कहाँ वो बैठे हैं? देखिए, नीच की राशि से निकल करके अभी अभी तुरंत और सप्तम भाव में बैठे हैं। मतलब सुख का अधिपति अपने भाव से चतुर्थस्थ गया, किसके साथ बैठा? तो जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति के साथ। सूर्य और शुक्र वैसे भी एक साथ होते हैं, तो थोड़े एक दूसरे को देख करके कन मनाते हैं, ये कहाँ से बैठ गया मेरे पास? सूर्य चूंकि है धार्मिक तत्व के ग्रह और शुक्र है भौतिकवादी, तो ये दोनों का मेल थोड़ा कम होता है। सूर्य देते सब कुछ हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के मालिक भी बनाते हैं, परंतु वो उसे थोड़ा कम आंकते हैं। उनके नज़र में बौद्धिक विकास ही सर्वोत्तम होता है। और यहाँ वो सुख भाग के अधिपति बनते हैं, वहाँ एक शुभग्रह बैठा है, वो कहाँ का अधिपति है? जन्म कुंडली का पराक्रमेश सुख भाव में बैठा, सुख का अधिपति अपने भाव से चतुर्थस्थ गया है। दाम्पत्य में थोड़ी सी कड़वाहट रहेगी, क्रूरतम स्थितियों को देगा और दिखाने वाला भी होगा। कारण, क्योंकि यहाँ राहु केतु का प्रभाव, सप्तम भाव के अधिपति सप्तम को देख रहे हैं, तो सप्तम भाव को फ्लरिश भी करेंगे, उसको बिगड़ने नहीं देंगे। ये न केन प्रकार व्यक्ति को कहीं ना कहीं से अच्छाइयाँ भी मिल जाती हैं। पत्नी शुक्र से प्रभावित हैं, लग्न में शनि बैठा है, थोड़ी सांवली भी होंगी लेकिन सुंदर होंगी, मुँह का पानी अच्छा होगा। और वो शुक्र सप्तम में बैठा है सूर्य के साथ, सुख और ऋण का संबंध, यानी कि ये यहाँ पे कि ऋण भाव का अधिपति, रोग भाव का अधिपति जो कि लग्नेश बनता है, आकर के सप्तम में बैठा है। दाम्पत्य को फ्लरिश तो करेगा लेकिन कभी कभी मनमुटाव जरूर देगा, और सुखपूर्वक जीवन को व्यतीत होने वाला ही बनाएगा, क्योंकि सुखे से स्वयं लग्न कुंडली के सुख, नवमांश कुंडली के सुख के अधिपति सूर्य सप्तम में आकर के आपके हर जगह से प्रत्येक चार्ट में सूर्य पे, सूर्य का प्रभाव लग्न पे देखा जा रहा है। ये बात समझ में आई? अब यहीं पे अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे सूर्य का जो प्रभाव है वो जन्म कुंडली में छठे पे आ रहा है, और यहाँ पे वो दशमांश कुंडली में व्यक्ति के व्यक्तित्व को रोग में डाल रहे हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व कहाँ बैठा और वो कहाँ का अधिपति बनता है? देखिए, लाभ, व्यक्ति को जितना लाभ मिलना चाहिए वो कहाँ है? वो रोग से युक्त है और जल तत्व की राशि में बैठा है, और सूर्य होते हैं अग्नि तत्व की राशि। मित्र भले है वो राशि उनकी, लेकिन वो जल तत्व की राशि बनती है और वो थोड़ी भ्रमित होती है। यहाँ के अधिपति गुरु अपने भाव से आगे गए हैं और सूर्य यहाँ पे उच्चाभिलाषी भी हो रहे हैं, जहाँ पे शनि बुध और गुरु बैठे हैं। अब गौर करिएगा तो कैरियर थोड़ा कमज़ोर कैसे हो रहा है, या कैरियर में अनस्टैब्लिशमेंट क्यों हो रही है? काम का दबाव, काम को लेकर के डर, काम को लेकर के संशय और कैरियर को लेकर के थोड़ा सा ऊहापोह वाली स्थिति हमेशा व्यक्ति के जीवन में बनी रहेगी। क्यों? समझिए, यहाँ अगर आप देखते हैं तो जन्म कुंडली में दशम भाव का अधिपति बनता है शनि। दशम भाव के अधिपति बनते हैं शनि, वो जाकर के बैठे हैं लग्न में, यानी कि व्यक्ति काम तो करना चाहता है, और पत्नी भी व्यक्ति के जीवन में जो आएगी वो काम कराने वाली ही आएगी, हमेशा ठेलने वाली होगी। काम करिए, मेहनत करना होगा, ये बात बनती है, क्योंकि पत्नी के भाव में सूर्य और शुक्र जैसे जब ग्रह बैठे हों, वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती हो, तो ये रोग की राशि होती है। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ के अधिपति होकर के मंगल जाकर के देखिए अष्टम भाव में बैठे हैं, अपने भाव से षडाष्टक का दोष पैदा कर रहे हैं। हालांकि वो दोनों जगह उनकी ही राशि बनती है, लेकिन गुरु भी तो साथ में है ना, इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी दाम्पत्य में रहेगी। और यहाँ पे करियर की बात कर रहा था, तो लाभ के अधिपति सूर्य बने, रोग में बैठे, यहाँ पे अपने आप को वो बुझा बुझा हुआ सा महसूस करेंगे। और यहाँ अष्टम भाव का अधिपति शुक्र, गौर करिएगा, अष्टम भाव का अधिपति शुक्र आकर के जन्म कुंडली के सप्तम में बैठा है, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी जरूर देगा। और ऊपर से दशम भाव का अधिपति जो कि कैरियर भाव है, यहाँ का अधिपति होकर के चंद्रमा देखिए जाकर के जन्म कुंडली में उच्च के केतु के साथ बैठा है, फिर भी मन परेशान रहेगा, क्योंकि कृष्ण पक्ष के अमावस्या का चंद्रमा है, ये परेशान करेगा। और उसके बाद लग्न तुला का, तुला के अधिपति व्यक्ति कार्मिक होगा, काम करना चाहता है, अपने काम के बदौलत और काम के बल पर व्यक्ति संपूर्ण सुखों को भोगना चाहता है और संपूर्ण सुखों का भोगता होगा भी, परंतु फिर भी काम में अनस्टेब्लिशमेंट होगी, कैरियर थोड़ा सा डमाडोल होता है। वो कब होगा? जब भी बुध की दशा आएगी, जब भी शुक्र की दशा आएगी, तब ऐसी स्थितियां बनेंगी, हालांकि वो कम होंगी। और आपकी कुंडली में एक बात बता देता हूं, तो राहु और केतु की दशा में कभी भी अंतर प्रत्यंतर में डरने की आवश्यकता नहीं है। बाकी के ग्रहों में शनि भी अच्छा फल करते देखे जाएंगे, वो एक एक करके बताऊंगा, अभी ये सूर्य की बात थी। चंद्रमा की बात करूं, चंद्रमा यहाँ पे होते हैं जन्म कुंडली के रोग के अधिपति, वो 12वें बैठे हैं बुध के साथ। अब यहाँ पे विचार करिएगा तो अष्टम का छठे का अधिपति, दोनों भाव के अधिपति एक साथ बैठे हैं और सूर्य भी साथ में बैठ रहा है, लेकिन वो शुक्र से दृष्ट हो रहा है।
शुक्र से दृष्ट हो रहे हैं, गुरु से केंद्र में आ रहे हैं, इस वजह से ये जो सामान्यतया अगर एक बात कहूँ तो यहाँ पे जो विपरीत राजयोग है वो गुरु के प्रभाव में आने के कारण चंद्रमा के और बुध को और बुध से और शुक्र से दृष्ट हो जाने के कारण उस भाव के अधिपति यहाँ के शुक्र से दृष्ट हो रहे हैं ना, ये भाव शुक्र से दृष्ट हो रहा है। गुरु चंद्रमा से केंद्र में आ रहे हैं, बुध चंद्रमा गुरु से केंद्र में आ रहे हैं, इस वजह से ये जो भाव है विपरीत राजयोग का वो भंग हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति के जीवन में जब भी विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो वो अनुकूलता को लाने वाला भी होगा, उसमें कहीं से संशय नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे वो भंग की स्थिति में बातें बन रही हैं। यहाँ पे एक जन ने कल लिखा भी था कि वो भंग हो रहा है, मैंने कहा कल का कार्यक्रम देख लीजिए, इसीलिए तो प्रायः दो बार मैं बनाता हूँ ताकि एक बार में जो बातें यहाँ ना बता सका उसको दूसरे कार्यक्रम में बैठा सकूँ, ये बात बनती है। अब उसके बाद चंद्रमा यहाँ पे चतुर्थ के छठे के अधिपति हुए, बारह में बैठे अपने भाव को देख रहे हैं, और यहाँ पे वो बनते हैं पराक्रम के अधिपति सुख में बैठे, पराक्रम के अधिपति सुख में बैठे अपने भाव से ग्रह आगे जा रहा है, लाभ मिलेगा। और उस पर अगर देखता हूँ तो ना तो वो शनि से ना तो राहु से, ऊपर से गुरु से वो दृष्ट हो रहा है। यानी कि अगर पराक्रम व्यक्ति करे और व्यक्ति की कुंडली अगर पराक्रम से युक्त हो जाए या जीवन, तो निश्चित रूप से उसका लाभ गुरु के शुभता के कारण बनने वाला है, क्योंकि वहाँ पे लाभ के अधिपति होकर के गुरु, देखिए यहाँ भी पराक्रम के अधिपति होकर के चंद्रमा आगे बैठे, यहाँ भी लाभ के अधिपति होकर के गुरु, यहाँ वो आगे जा रहे हैं अपनी राशि से, और वो पांचवी दृष्टि से जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे पराक्रम भाव के अधिपति चंद्रमा को देख रहे हैं। ये स्थितियाँ चंद्रमा को प्रतिकूल होने से बचा रही हैं। नौ दशमांश में यहाँ पे चंद्रमा बनते हैं दशम के अधिपति, जा करके बैठे हैं कहाँ, अष्टम में, और वो केतु के साथ हैं। कैरियर को किस तरीके से, हालांकि ये एक प्रकार का योग बनेगा कि दशम का अधिपति उच्च का होकर के बैठा हो और वो कहीं से भी अगर देखता हूँ तो किसी भी प्रकार से किसी भी शुभ ग्रह या अशुभ ग्रहों से उसका प्रभाव नहीं बन रहा है, राहु केतु का प्रभाव है, इस वजह से मन में कर्म को लेकर के और मन में कैरियर को लेकर के कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति बनती रहेगी और व्यक्ति हमेशा कर्म को लेकर के डरा हुआ सा रहेगा, ये बात बनती है। मंगल की बात करूं अगर तो मंगल आपकी कुंडली में दशम भाव के अधिपति होते हैं, लाभ में बैठे हैं, लग्नेश के साथ बैठे हैं, इस वजह से मंगल को बल तो मिलेगा लेकिन लग्नेश वहां पे प्रभावित हो जाएंगे, अपने प्रभावों को वो कमतरी से देने वाले होंगे, क्योंकि लग्न का अधिपति अगर पापक ग्रह के साथ बैठे और वो भी उनके प्रबल शत्रु होते हैं इस वजह से। और यहाँ पे मंगल अपनी राशि में बैठे, उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठती है, सप्तम भाव का अधिपति गुरु के साथ है, इस वजह से उसको शुभता भी मिलेगी लेकिन दाम्पत्य में कड़वाहट संभव है। और निकट आने का प्रयास करिएगा, दूर जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में यहाँ पे बुध की राशि बन रही है और यहाँ के अधिपति होकर के बुध देखिए शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं, अपने भाव से निकट बैठे हैं, तो प्रेम रहेगी, चंचलात्मक स्थितियाँ रहेंगी और प्रेम ही रखने की बारी भी है। सूर्य और शुक्र से अगर देखिए ग्रह जो है वो ये कहता है कि अगर बचाना चाहते हो तो बचा लो, प्रयास कर लो, लेकिन वो बुरा प्रभाव दे सकता है क्योंकि रोग का अधिपति सप्तम में आया है ना, तो पत्नी को पीड़ित भी बनाएगा, रोगी बना देगा, और कैसी समस्याएं बनेंगी, तो वो सूर्य के साथ है और शुक्र के साथ है, इस तरीके की समस्या, मतलब कटी प्रदेश से संबंधित क्षेत्र, पेट से संबंधित समस्याएं, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, कमर से संबंधित समस्याएं, ऐसी स्थितियां पत्नी को बन सकती हैं, हड्डी से संबंधित समस्याएं पत्नी को मिल सकती हैं। और यहाँ पे मंगल बैठे हैं जन्म कुंडली में गुरु की राशि में, और वो होते कहाँ के अधिपति हैं, देखिए धन का, यहाँ राहु बैठा, और अगर विचार करते हैं तो यहाँ पे मंगल गुरु की राशि में, मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 गुरु की राशि पे, सूर्य और मंगल का संबंध बनना, और वहाँ पे सप्तम भाव का अधिपति मंगल अपने राशि से नवम पंचम के संबंध में है, व्यक्ति को लोहे से संबंधित, पेट्रोल डीजल आदि से संबंधित, स्टील से संबंधित, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कारोबार में ले जाने वाला बनाता है, क्योंकि राहु वृश्चिक का होकर के बैठा है और धन का अधिपति दशमांश कुंडली में आगे जा रहा है। ऊपर से अगर यहाँ पे देखते हैं तो दशम भाव का अधिपति उच्च का हो रहा है, और वहाँ पे अगर गौर करते हैं तो इनकी कुंडली में शनि जो है वो अपनी राशि का हो रहा है, शनि स्वराशि के पंचम भाव में मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, और ऊपर से अगर देखता हूँ तो उनकी नीच दृष्टि जन्म कुंडली के दशम भाव सप्तम भाव पे पड़ रही है। अगर कैरियर में अगर पत्नी का सलाह थोड़ा कम ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, अपने पार्टनर को ले सकते हैं, और पार्टनर से ले जाकर के कभी भी उसके साथ कृतज्ञता का भाव मत रखिएगा, उसके साथ ईमानदारी बरतिएगा, कभी कभी शनि ठग भी बना देते हैं,
तो उस पर भी गौर करने वाली बात है। बुध की बात करता हूं, आपकी कुंडली में बुध ध्यान से समझिए पंचम का अधिपति होकर के 12वें गया था। यह शिक्षा में व्यवधान करवाता है और व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है, क्योंकि वो रोगेश के साथ बैठा है ना, इस वजह से। और वो पंचम और अष्टम का अधिपति होकर के 12वें गया, ये विपरीत राजयोग वाली स्थिति है। लेकिन मैंने बताई वो बात की, गुरु के केंद्र में आने से, शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ जाने से ये स्थितियां थोड़ी कमतरी वाली होंगी और वो अच्छाई को भी दिखाने वाली होंगी, क्योंकि वो शुभग्रह के कारण बन रहा है। बात समझ में आई? और यहां पे अगर देखता हूं तो बुध की बात, यहां बुध बनते हैं धन के अधिपति, अपने भाव से आगे गए, ये स्थितियां अच्छी होती हैं अगर ग्रह अपने भाव से आगे जाए तो। और उसके बाद शुक्र भी जो बैठे हैं वो आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं, अपने भाव से आगे, चंद्रमा अपने भाव से आगे, बुध अपने भाव से आगे, ये सारी चीज़ें अच्छी बन रही हैं नवमांस कुंडली में, तो ये ठीक है। हर चीज़ें पत्नी के आने के बाद धन में जाने वाली दिख रही हैं, क्योंकि मंगल भी आपकी कुंडली में अगर देखता हूँ तो जा करके अपनी राशि के बैठे हैं। ये दाम्पत्य में आने के बाद सुख सुविधाओं का मालिक और ऐश्वर्य का मालिक बनाते हैं। अगर बुध की बात यहाँ करता हूँ तो बुध आपकी कुंडली में बनते हैं भाग्य के अधिपति, सप्तम में आकर के और भाग्य को देख रहे हैं, जो काम करेंगे उसमें भाग्य का सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि प्रकृति में वो भी समा रहा है। कारण, क्योंकि दशमांश कुंडली में भाग्य भाव का अधिपति ही आपकी कुंडली के लग्न को देख रहा है, ये स्थितियां अच्छी होती हैं। और दशम भाव का अधिपति उच्च का हो रहा है, ये भी ठीक होता है। कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, डरना नहीं है। गुरु की बात, यहाँ गुरु बनते हैं जन्म कुंडली के धन के अधिपति, अपने भाव से आगे गए, मित्र की राशि में परिवर्तन के साथ हैं, चंद्रमा के साथ केंद्र में जा रहे हैं, ये बात भी ठीक है। और यहाँ वो देखते हैं तो किसी भी प्रकार के शुभ ग्रह और पापग्रह के प्रभाव से बच रहे हैं, लेकिन केतु का प्रभाव होगा, लेकिन वो धार्मिक ही बनाएगा व्यक्ति को, तीव्र पराक्रमी ही बनाएगा, क्योंकि केतु भी कहीं ना कहीं गुरुवत ही हो जाएंगे और ये सूर्य के सामने बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के मन में कभी कभी दारोमदार ऐसा, या परिवार का दारोमदार इसके ऊपर रखने वाले हो जाते हैं, व्यक्ति के ऊपर ही परिवार का पूरा खर्चा इकट्ठा होता है। और यहाँ पे गुरु, और यहाँ पे गुरु की बात करते हैं, यहाँ गुरु बैठे हैं जन्म कुंडली में मंगल के साथ, सप्तमेश के साथ अगर गुरु का संयोग हो जाए, लेकिन 12वें तो पत्नी कभी कभी धार्मिक पक्ष से कमज़ोर भी आती हैं, पूजा पाठ करने में कई बार उनका मन थोड़ा कम लगेगा, भौतिकवादी होंगी ज़्यादा, ऐसा भी बनता है, और थोड़ी कठोर स्वभाव की भी होंगी, कर्कश भी बोलेंगी, हालांकि ऐसा नहीं है क्योंकि वो दूसरे भाव में राहु बैठा है ना मिथुन का होकर के, तो वो धन लाने वाली तो बनेंगी, उनके आने के कारण और उनके आने के बाद जीवन में धन का आगमन तो होगा, लेकिन वाणी कठोर होगी, ये बात भी बनती है। गुरु यहाँ बैठे 12वें, उनकी 5वीं दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है, ये अद्भुत है, बहुत बेहतर होगा, सुख संपत्ति ऐश्वर्य इन सब चीज़ों के लिए भौतिकवादी और भौतिकता से व्यक्ति को भर करके रखता है। और यहाँ पे गुरु को अगर देखता हूँ तो वो बैठे हैं कहाँ, जन्म कुंडली में जाकर के सप्तम भाव में, कहाँ के अधिपति होते हैं वो, जन्म कुंडली के पराक्रम के, पराक्रम के अधिपति होकर के अपने भाव से पंचमस्त गए, यहाँ भी गुरु और मंगल का परिवर्तन हो रहा है, ये ठीक है। व्यक्ति का पराक्रम दैनिक आय को देने वाला होगा, व्यक्ति मेहनत करे तो निश्चित रूप से उसके कर्म अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि गुरु जो कि पराक्रम का अधिपति है दशमांश कुंडली में, वो सप्तम में आकर के मित्र की राशि से परिवर्तन किया और बैठा किसके साथ है, शुक्र के साथ, जो कहाँ का अधिपति है, लग्न का अधिपति। व्यक्तित्व कर्म के स्वामी का उच्च का होना, मंगल और गुरु का परिवर्तन में होना, और शनि का स्वराशि का होना, सूर्य का मित्र की राशि में जाना, ये चीज़ें व्यक्ति के दशमांश कुंडली को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी हैं। अब बात शुक्र की कर लेते हैं। शुक्र आपकी कुंडली में सुख के अधिपति उच्च के हुए, और यहाँ पे वो जन्म कुंडली में बनते हैं रोग के अधिपति, सप्तम भाव में आ रहे हैं, दाम्पत्य को और पत्नी के बीमारी के होने के कारण भी बनेंगे। इस वजह से दाम्पत्य में पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा सजग रहने की आवश्यकता है। शुक्र यहाँ पे अगर देखता हूँ तो वो अष्टम के अधिपति होकर के सप्तम में आ रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, लेकिन गुरु और बुध के साथ बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं कमजोरी भी देने वाले बन रहे हैं। अष्टमेश का सप्तम में आना ये व्यक्ति को प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी में भेद करना सिखा देता है। यहाँ पे एक बात और बता दूं कि जब शुक्र की बात कर रहा हूँ तो गुरु जो बैठे हैं वो रोग के अधिपति होकर के सप्तम में बैठे हैं और व्यक्ति को ये संशयात्मक रखते हैं, क्योंकि बुध भी गुरु से और बुध भी शुक्र से, इन तीनों ग्रहों को जब दशमांश कुंडली में एक साथ देख रहा हूँ तो ये स्थितियाँ कहीं ना कहीं कमजोरी की ही बन रही हैं। लेकिन यहाँ पे परिवर्तन योग भी है, क्योंकि गुरु की राशि में मंगल, मंगल की राशि में गुरु, ये स्थिति अच्छी है। लेकिन एक बात विचार करता हूँ तो समझिएगा, हमेशा ही आपको अपने कर्मों के बदौलत ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और प्राइवेट नौकरी से ज़्यादा आपको अपना काम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अपने काम का भाव है। अपना कार्य करिए और अपनी नौकरी करिए, किसी दूसरे की करने से ज़्यादा अच्छी स्थिति यही बन रही है।
शुक्र के बाद शनि की बात, लग्न के अधिपति लाभ में गए, दशमेश के साथ बैठना ये अच्छा होता है लेकिन लग्नेश के लिए थोड़ा कम होगा। गुरु से दृष्ट होना, उसके बाद लग्न के अधिपति का लग्न को देखना, यहाँ पे शनि का लग्न में आना ये अच्छी बात है। मित्र की राशि में बैठे हैं ये ठीक होगा, यहाँ भी वो दशम के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं और वो दृष्ट भी हो रहे हैं शुक्र और सूर्य के साथ, तो रोगेश हो रहा है और सुखेश देख रहे हैं। सूर्य और शनि एक दूसरे को देखते हैं तो कभी कभी परेशान करते हैं। तो एक बात और यहाँ पे बात जो कि बनती है, पत्नी को धार्मिक बनाना आवश्यक होगा और उन्हें भौतिकवादिता से हटा करके धार्मिकता की तरफ उनका मन उन्मुख करना होगा। दशमांश कुंडली में अगर देखता हूँ तो शनि की बात, यहाँ पे शनि आपकी कुंडली में बनते हैं पंचम भाव के अधिपति और सुख भाव के अधिपति। पंचम और सुख के अधिपति होकर के पंचम में बैठे, मैंने वही बात कही कि मंगल मित्र की राशि में, शनि स्व राशि के, और गुरु का लग्न को देखना, शुक्र का लग्न को देखना, ये डेली बेसिस के इनकम और अपने व्यवसाय की तरफ व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं और उधर प्रेषित करना चाहते हैं क्योंकि दशम भाव का अधिपति आपकी कुंडली में उच्च का है। ये बातें बनती हैं। बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित अगर कोई भी काम करे, सजावट का काम करे, लोहे स्टील आदि का काम अगर व्यक्ति करना चाहे बिल्कुल कर सकता है। स्थितियां बनती है क्योंकि मंगल से प्रभावित है ना, इस वजह से हर जगह से मंगल और शनि की स्थितियां आपके कर्म क्षेत्र को लेकर के आगे बढ़ती हुई देखी जा रही हैं। राहु केतु की बात कर चुका हूं, राहु सूर्य से प्रभावित और सूर्य को प्रभावित कर रहे हैं। यहां पे राहु सूर्य को नहीं देख रहे हैं। एक बात और है कि अगर यहां गौर करिए तो दशम भाव में शनि की राशि बन रही है और दशम भाव का अधिपति आपकी कुंडली में लग्न में आ रहा है नौमांस में, और यहाँ पे वो जो स्थिति बन रही है वो शुक्र की बन रही है और वो शुक्र लग्न को देख रहे हैं। शुक्र का लग्न का अधिपति होकर के दशम भाव के अधिपति को देखना, ये व्यक्ति के पत्नी के स्वभावों को कार्मिक होने की तरफ इशारा करने वाली होंगी। और अगर यहाँ पे राहु केतु की बात करता हूँ तो यहाँ भी राहु की बात अगर करूँ तो द्वितीय भाव में वो वृश्चिक का बैठा है, यहाँ पे राहु मिथुन का होकर के बैठा है, पत्नी को कभी कभी रूढ़ बोलने वाला या कभी कभी खरी खरी बोलने वाला भी ला करके बिठा देता है। ये स्थितियाँ बनती हैं। किसी भी परिवार के सदस्यों के प्रति आपको कृतघ्न कभी भी नहीं होना है, गुरु यही इशारा कर रहे हैं। उनकी पाँचवीं दृष्टि सप्तम भाव पे शुक्र के उच्च के होने का प्रभाव यही इशारा करता है क्योंकि ये पैतृक संपत्ति का भाव है और यहाँ का अधिपति धन योग लगा रहा है, लाभ के अधिपति के साथ क्रमशः जन्म कुंडली के सप्तम भाव के दशम भाव के अधिपति का परिवर्तन में जाना कभी भी नहीं। और एक बात बता दूं, हमेशा ही गुरुवत होकर के, हमेशा ही धर्म से युक्त होकर के ही अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि गुरु का प्रभाव धर्म भाव पे, धर्म के अधिपति धर्म अपने भाव से षडाशक में जा रहे हैं, लेकिन ये षडाशक नहीं होता, ये धन योग होता है, धनवान योग होता है। धनवान योग की स्थिति दशम का अधिपति एकादश में, ये धन योग है। लग्न का अधिपति लाभ में, ये धन योग है। नवम का अधिपति धन में, ये धन योग है। परिवर्तन योग बनना लाभेश का पराक्रमेश के साथ, ये धन योग होता है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति का सप्तम को देखना ये भी अच्छा माना जाता है। आपकी कुंडली में जो निगेटिव चीज़ें हैं वो बता दूँ, चंद्रमा जो कि बारहवें हैं और ये सूट नहीं करता है क्योंकि उनके आगे एक क्रूर ग्रह सूर्य और पापक ग्रह शनि मंगल ये थोड़े कमज़ोर करते हैं। उसके बाद आपकी कुंडली में पंचम भाव का अधिपति और छठे आठवें भाव का अधिपति, पंचम और अष्टम भाव के अधिपति दो स्थान में जा रहे हैं, ये थोड़ा कमज़ोर होता है। पंचमेश का दो स्थान में जाना ठीक नहीं होता है। और ऊपर से शुभग्रह, अगर जन्म कुंडली में गौर करिए तो शुभग्रह की राशि यहाँ भी बनती है, ये थोड़ा दुह स्थान के लिए शुभग्रहों का जाना कमज़ोर माना जाता है। यहाँ भी शुभग्रह की राशि बनी वो दुह स्थान का मालिक बन रहा है, यहाँ तो चलो फिर भी ठीक है, ये बात बनती है। ये स्थिति आपकी कुंडली में लग्न नौमांस और दशमांस की रही। अब गौर करता हूँ, आपको एक बात बताता हूँ, लग्न शनि का बना मंगल के साथ गए, ये आपको यहाँ से ये इशारा करते हैं, और आपका नक्षत्र धनिष्ठा का है, ये इशारा करते हैं कि शनि मंगल का संबंध लाभ देगा। यहाँ पे अगर गौर करता हूँ तो दशम के अधिपति बनते हैं शनि, यहाँ वो अपनी राशि के हो रहे हैं कर्म कुंडली में, दशमांश कुंडली में, और यहाँ शनि लग्न में बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं ये इशारा करते हैं व्यक्ति शनि से प्रभावित होकर के अगर कोई काम करे, सजावट का काम करे तो कर सकता है। उसके बाद यहाँ भी अगर देखता हूँ तो दशम दस नंबर की राशि का बनना जन्म कुंडली के सुख भाव में, पंचम भाव में 11 नंबर की राशि का बनना, अपनी राशि का बनना शनि का, मंगल का गुरु की राशि में जाना परिवर्तन के साथ,
ये स्थितियाँ कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में सुलभता को दिखाने वाली हो रही हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ से भी लाभ भाव को देख रही है, मित्र की दृष्टि लग्न को देख रही है, यह भी अच्छा होगा, और ऊपर से मंगल को देख रही है जो कि उनकी अपनी ही राशि होती है। गुरु मंगल शनि शुक्र, ये स्थितियाँ आपकी कुंडली में अच्छी बन रही हैं। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत नमस्कार।